वाले बंदे से उलझना मतलब टैक्स मुझे मार वाली बात है। ये जो आपने काला धन सफेद करने की एमनेस्टी स्कीम निकाली है, मतलब कोई 10 लाख की चोरी करे और 50,000 टैक्स देकर छूट जाए, कुछ समझ में नहीं आया। जब हम मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के वादे पर दस्तखत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भाई ने मुझे जगा दिया था। आए आए इमरान खान साहब, चौथी शादी करवाने आए हैं। नहीं नहीं, असल में हम शेख साहब की शादी के सिलसिले में हाजिर हुए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि आखिरी सांस तक अवामी खिदमत के मिशन से पीछे नहीं हटूंगा, इंतखाबात में सर उठाकर आवाम के पास जाएंगे। खादिम आला साहब, कभी ये भी बताएं कि वो आवाम रहती कहाँ है जिसकी आप खिदमत कर रहे हैं? कहीं आप अपने खानदान वालों को ही तो आवाम नहीं समझते? एमनेस्टी स्कीम के तहत कौन से लोग काला धंधा सफेद करने वाले हैं, आइए देखते हैं। घंटा हो गया डाका पड़े, अभी तक पुलिस नहीं आई। सर सारा कैश तो डाकू ले गए, पुलिस आई तो क्या देंगे? यहाँ कोई डाका पड़ा है क्या? आपको कैसे पता चला? मैंने ही मारा। मेरा मतलब है कि आप लोगों की शक्लों से पता चल रहा है। छोड़ें जनाब, डाके तो पड़ते ही रहते हैं, आप बताएं हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? खिदमत तो मैं करने आया हूँ आपकी। बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाने आया हूँ। सर पैसे कितने हैं? गिने तो नहीं, 2-3 करोड़ होंगे। सर बैठे हैं। जी जी, पैसे तो जमा हो ही जाएंगे, लेकिन आप ये बताएं ये सारे पैसे आपके पास आए कहाँ से? इसी बैंक से। मेरा मतलब है सवाल जवाब छोड़ें, हुकूमत ने जो MNST स्कीम निकाली है उसके तहत आप अपना 5% काट लें। ओ सर, ये अपना काला धन सफेद करवाने आए हैं। वही जी, हुकूमत ने धन सफेद करने की स्कीम निकाली है, फायदा तो उठाना चाहिए ना? और जी जी जरूर उठाइए फायदा, हुकूमत भी तो आग जैसो की है। और मेरा मतलब है हुकूमत आप सबका बहुत ख्याल रखती है। मरियम, इनका नया अकाउंट खोल दें और 5% काट के इनकी रकम जमा कर दें। सर प्लीज इनके साथ जाइए। मेहरबानी सर। सदर ममनून हुसैन का कहना है कि इंतहा पसंदी का खात्मा सिर्फ ताकत से नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये बात थी जिसे बताने के लिए सदर साहब 5 साल तक खामोशी से सोचता रहे। आइए देखते हैं एक स्केच। हौसला रखे मियां साहब, जो अल्लाह की मर्जी, जो आता है उसे वापस भी तो जाना होता है। अपना मुझे है अभी उम्र ही क्या थी, अभी तो 5-6 इलेक्शन और देखने थे। हम तो वो जो हाथ आया प्रोटोकॉल वो भी ओहो, आई को कौन टाल सकता है? हर तीर मेरी तरफ ही क्यों चलता है? अब तो किसी और पर फेंका गया पत्थर भी मुझे ही आगे लगता है। हजरत मियां साहब, जब वक्त आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं मियां साहब, अल्लाह आपके रुहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और इन्हें खुद से दौलत कमाने की आदत पड़े।
यहाँ किस फिल्म की शूट चल रही है? यहाँ अपने मुझे है कोई शूटिंग नहीं हो रही और हम तो अपने मुझे है यहाँ जो है अफसोस के लिए बैठे। मैं भी रोल करूंगा, मैं भी हीरो हूँ, मैं भी रोल करूंगा और मेरी एक्टिंग चेक करो, मेरी एक्टिंग चेक करो। जाने वाले चले जाते हैं, आने वाले आ जाते हैं। और तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसे भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? और ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे, उस पे नायली के पहाड़ टूटे और ये एक्टिंग कर रहे। हमसे तो अपने जो है पहले मियां साहब का दुख देखा नहीं जा रहा और तुम अपने मुझे और दुखी करने चले हो। ओ भैया पागल, अब मेरा मतलब है हजरत पागल, हम परेशान बैठे हैं और तुम्हें अटकेलियां सूझी हैं। कोई मर गया है क्या? जवान था या बूढ़ा? जवान नहीं, 3 बारियां ले चुके थे। कहां दफनाया? अपने दिल में। ये कौन बंदा है जो हमारी नहली पे नमक छिड़कने आ गया? निकालो इसे यहां से। चलो फिर दुआ कर ले। हाँ चलो करे। चले चले फिर बरूम का सदका ही दे दे। बिरयानी पकाई है या आलू गोश्त? हजरत पागल, अगर यहाँ बिरयानी पकी होती तो हम इतने दुखी होते? अल्लाह खैर करे, हम लोग जो है आप कैसी गुफ्तगू फरमा रहे। ओए अपने लो पागल, चले चले तू चले चले, अब कहीं फौतगी नहीं हुई अभी, यहाँ से दफा हो जाओ। चले चल और चले चैनल को मका रहे, कोई फौतगी नहीं हुई यहाँ। तो फिर मियाँ साहब ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? इनका मुंह ही ऐसा है। 3 बार फौत, मेरा मतलब 3 बार नाअहल हो चुका हूं, मेरी सारी सियासत लटक गई है, ये तो फिर भी मुंह है। हजरत पागल, मियां साहब जिंदगी भर के लिए नाअहल हो चुके हैं। जिंदगी भर के लिए नाअहल हो चुके हैं तो आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? जाएं कोई नया थाटी ढूंढे। हाँ ये ठीक है, चले। अब तेरी खैर नहीं। शेर एक बारी फिर, शेर एक बारी फिर, शेर हो गया ढेर, शेर हो गया ढेर। या कम से कम लंदन के अस्पताल इलाज करवाने तो जरूर चले जाते। आइए देखते हैं एक स्केट। अरे अरे उठने की क्या जरूरत है, इत्मीनान से टांगे फैला कर बैठी है। बहुत गौर किया, बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि आप पे भी बहुत जुल्म हुआ। अरे क्या हुआ, क्यों दुखी हो, इसमें भला रोने की क्या बात है? मुझे देखिए, मैंने इमरान साहब पे कितना जुल्म किया, मेरा मतलब मेरे साथ खान साहब ने कितना जुल्म किया, मैं कभी रोई? इमरान खान पुराने लोगों को चुन चुन कर निकालता है, लेकिन मेरी क्या गलती थी, मैं तो नई नवेली थी, मुझे क्यों निकाला? मैंने इमरान खान साहब को इतना सबक पढ़ाने की कोशिश की लेकिन इसने नहीं पढ़ा। अब हम दोनों मिलकर इमरान खान को सबक सिखाएंगे। मुझे पता है खान साहब मुझे प्यार नहीं करते थे जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे अरे उदास ना हो, मैं भी उदास हुई थी लेकिन अगले दिन लतीफ़ों की पूरी किताब खरीद ली थी और अब मैं लतीफ़ों की किताब लिख रही हूँ, मेरा मतलब अपनी इंसानी हयात लिख रही हूँ। आपके बारे में तो पूरा चैप्टर शामिल करूँगी,
बताऊंगी आप खान साहब के कितना करीब थे और अब किसी के रकीब हो गए। मैडम जी ये नए मेहमान के लिए। हाँ हाँ दो दो, ये हमारे बहुत खास मेहमान हैं। जी शेरू आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, मैं और पूरी नून लीग आपके लिए इंतहाई दुखी हैं। हम आपको भी इंसाफ दिलवाएंगे। इत्तला है कि पुलिस ने लाहौरियों को बसंत से रोकने के लिए ड्रोन उड़ाने का मंसूबा तैयार किया है। टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, पतंगबाजों को चाहिए कि डोर की बजाय रिमोट से उड़ाने वाले पतंग तैयार करें और पेच लड़ाने की बजाय पतंगों की टकरें करवाएं। आइए देखते हैं एक स्केच। देखें जी आइन के आर्टिकल 30 के तहत मैं अभी 2 किलोमीटर और चल सकता हूँ। शेख साहब आप तो सुबह 6 कुल्चे, 8 पाए और 5 परांठों का नाश्ता करके आए हैं, मैंने तो सिर्फ डबल रोटी के 2 पीस खाए हैं। आर्टिकल 50 के तहत डबल रोटी का नाश्ता गैर सियासी लोग करते हैं। सियासी लोग तो आर्टिकल 170 के तहत 10 बंदों के पराठे खा जाते हैं। मेरा मिद्दा इतना छोटा है, मैं एक पराठा खा लूं तो वो कानों तक पहुंच जाता है। ये किस आर्टिकल के तहत होता होगा, घर जाकर देखता हूं। अब देखें जी आर्टिकल 580 के तहत गंडेरियों के छिलके फेंकना काबिले दस्त अंदाजी पुलिस है। यानी मैं गंडेरियों के साथ छिलके भी खा लूं। अब देखें छिलके में एक कतरा रस का नहीं छोड़ा। और शेख साहब आप किसी के छिलकों पर नजर ना रखें, आप मुझे कुछ सियासतदान लगते हैं। नहीं जी मैं इनकम टैक्स में हूँ। इनकम टैक्स आर्टिकल 56 के तहत इनकम टैक्स वाले बंदे से उलझना मतलब आ टैक्स मुझे मार वाली बात है। आप शौक से छिलके सड़क पर फेंके। अब देखें जी आर्टिकल 80 के तहत सरेआम हवा भरना जुर्म है। वो जी मैं साइकिल में वहाँ पर रहा हूँ, मैं कौन सा कुंती जीरो की तरह पेट में करप्शन की वहाँ पर रहा हूँ। वाकई वजीरों में हवा पता नहीं कौन भरता है, बयान खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाती है। तुम किस आर्टिकल के तहत साइकिल में हवा भर रहे हो? और जिस आर्टिकल के तहत नैब ने मियाँ साहब की हवा भर दी है। यानी आर्टिकल 17 के तहत तुम ऊंची हवाओं में हो। सर मैं सेल्स गर्ल हूँ और अपनी कंपनी की प्रमोशन कर रही हूँ, आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? रहमत का। और सर टूथपेस्ट? आर्टिकल 230 के तहत वो भी रहमत का। और साबुन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वो भी रहमत का। और वॉशिंग पाउडर? वो भी रहमत का। ये रहमत कौन सी कंपनी है, मैंने तो आज तक ऐसी किसी कंपनी का नाम नहीं सुना। ये किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये तो मेरे सेक्रेटरी रहमत का नाम है। आर्टिकल 313 के तहत ये मेरे साथ ही रहता है। शेख साहब आप इधर फिर रहे हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे ढूंढ रहे हैं, अब मैं कोई खुशहाली हूँ। शेख साहब आर्टिकल 420 के तहत आपको नैब ने बुलाया है। क्या नैब ने? आर्टिकल 420 क्या होता है? ये तो आप वहीं चल के पूछना, चले मेरे साथ। एहतजाज के लिए हाइट पार्क ही बना ले। अलबत्ता हमारी आवाम जब तक 8-10 घंटे सड़कें बंद करके सारे शहर को अजियत में मुब्तला ना कर दे, इनका गुस्सा ठंडा ही नहीं होता। किसी इदारे को इस करप्शन के गुबारे को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।
अरे खाकान साहब, खैरियत तो है? आज सुबह कहीं खादिम आला साहब के छोड़े हुए पराठे तो नहीं खा ली? खादिम आला तो इतने कंजूस है, किसी वक्त खाने के टाइम पहुंच जाए तो कहते हैं मैं डाइटिंग पर हूँ। सुना है अमेरिका में आपके जूते उतरवा कर तलाशी ली गई, आपके जूते वापस मिले? वो तो थोड़े ही मिल गए थे, किसी को पूरे नहीं आए। मेरा मतलब है हम वजीर आजम नहीं, आम आदमी की हैसियत से गए थे। यहाँ तो आप बगैर प्रोटोकॉल के घर की छत पर भी नहीं जाते, अमेरिका उतरते ही आम शहरी बन गए। यही तो फर्क है हमारे और उनके मुल्क में। मेरा मतलब है अपना मुल्क अपना होता है, और यहाँ तो साबिक वजीर आजम की भी कोई तलाशी नहीं ले सकता। साबिक वजीर आजम की तलाशी तो खूब अच्छे से हो रही है, हा? रोज ही कुछ ना कुछ निकल आता है। मैं नहीं मानता चेयरमैन सेनेट को, नैब को, एहतसाब को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आपका क्या है, आप तो खुद को वजीर आजम भी नहीं मानते। अब तो मियां साहब ही मुझे वजीर आजम नहीं मानते, बार बार यही कहते हैं मेरी हुकूमत थी तो वो था, मेरी हुकूमत थी तो ये था। ये जो आपने काला धन सफेद करने की एमनेस्टी स्कीम निकाली है, मतलब कोई 10 लाख की चोरी करे और 50,000 टैक्स देकर छूट जाए, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए हमने 10 लाख में से 50,000 तो निकलवा लिया ना, यही हमारी कामयाबी है। इमरान खान ने कहा है कि अब वो शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत देंगे, इसका मतलब ये कि अब खादिम आला साहब की बारी है। पूरी दुनिया में मियां साहबान के खिलाफ कोई भी करप्शन साबित नहीं कर सकता। क्यों, उन्होंने सारी करप्शन क्या जुबानी कलामी की है या उन्होंने 5% टैक्स दे दिया? जो भी दौलत जायदाद है सब बच्चों के नाम पर है, मियां साहब के नाम पर कुछ भी नहीं है। अच्छा तो बच्चे किसके नाम पर है? वो तो मियां साहब के नाम पर ही है। तो रियाजी के फॉर्मूले के मुताबिक दौलत जायदाद किसकी हुई? वो मियां साहब की, वो मैंने रियाजी ज्यादा पढ़ी नहीं हुई, मैंने आर्ट्स पढ़ी हुई है। इसीलिए तो आप PIA के जहाजों पर आर्ट्स के नमूने बनाते रहते हैं। अब कौमी झंडा हटाकर मारखोर का लोगो लगा दिया, हाँ? कौमी झंडा क्या हवा से उड़ जाता था? वो PIA के जहाज पेट्रोल बहुत खाते थे, इसलिए हमने उसकी दुम पर मारखोर बना दिया। क्यों, मारखोर जहाजों के पीछे से क्या धक्का लगाता है या जहाजों में पेट्रोल की बजाय घास डालना शुरू कर दिया? अब तो डबल खर्चा है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है और मारखोर को घास भी खिलानी पड़ती है। करोड़ों रुपया डिजाइनिंग पर जाया कर दिया, मुसाफिरों को ना खाना सही मिलता है ना सही पानी। इसीलिए तो PIA नाम रखा है, हम पे ना रहियो घर से PIA। सर्दियों में मियां साहब ने खूब प्रोपेगेंडा किया कि लोड शेडिंग खत्म हो गई, उनके झांसे में आकर मैंने UPS भेज दिया, अब गर्मी में अंधेरे में बैठे रहते। अगर इमरान खान 7 माह धरना ना देते तो आज लोड शेडिंग खत्म हो चुकी होती। वो कैसे, खान साहब का धरना क्या बिजली से चलता है? लाइट चली गई, आ गई। अरे खाकान साहब, खाकान साहब, अरे ये किधर गए? खैर हॉटलाइन में मौलाना फजलुर रहमान क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी बैचलर होस्ट SHO शहजादी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। हमारे आज के शो में हमारे मेहमान है जी मौलाना फजलुर रहमान साहब। 73 के आईन के तनाजुर में जो भी कुर्सी खाली मिले फौरन उस पर बैठ जाना चाहिए। इसीलिए बरसों से आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हजरत शहजादी साहब, हम कश्मीर कमेटी की कुर्सी तब छोड़ेंगे जब कश्मीर आजाद हो जाएगा या कुर्सी हमें तंग हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये है कि हम आपकी तरफ से इनकार ही समझे। वैसे आपने कुर्सी पे बैठ के क्या कारनामा अंजाम दिया है? अभी हमने कल ही उस कुर्सी पर खड़े होकर अपने ऑफिस की छत पर लगा बल्ब उतार कर नया लगाया है। मेरा मतलब ये है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पे बैठ के आपने क्या किया है? इस ओहदे पर बैठ कर
हमने तो बहुत इंजॉय किया भाई। और ये तो हमें पता है कि आपने अपने लिए बहुत कुछ किया है। कश्मीर के लिए क्या किया है? कश्मीर आजाद कराते कराते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से 600 एकड़ के प्लाट हमने फतह कर लिए हैं। यानी आपने मकबूजा कश्मीर का कुछ हिस्सा फतह कर लिया? हमने तो पूरा मकबूजा कश्मीर आजाद करा के पाकिस्तान में शामिल कर दिया था, लेकिन भाई लुत्फ रहमान की गलती से पूरा खुफिया प्लान खराब हो गया। तो क्यों? उन्होंने दुश्मनों को खुफिया प्लान की मुखबरी कर दी थी क्या? नहीं, मुखबरी वाला काम तो हम खुद भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमारा मतलब है, जब हम मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलहाक के मुआहदे पर दस्तखत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भाई ने मुझे जगा दिया था। इसका मतलब यह है कि आपने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ के जितने काम भी कश्मीर के लिए किए हैं वो ख्वाबों और ख्यालों में किए हैं। ख्वाबों में दुश्मन से लड़ लड़ कर इलाका आजाद कराना भी तो बहादुरी है। बाकी के ख्वाब पूरे करने के लिए हम MMA बहाल कर रहे हैं। कश्मीर मुश्किलात से गुजर रहा है और आप फिर MMA बना रहे हैं? भाई ये MMA भी हम कश्मीर आजाद कराने के लिए बना रहे हैं। और वो कैसे? क्या MMA भारत से जंग करेगी? MMA बनाकर हमारा वजीर आजम बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है। फिर हम कश्मीर भी आजाद करा लेंगे। यानी कश्मीर आजाद कराने के लिए आपका वजीर आजम बनना बहुत जरूरी है? और अगर सिराज उलग साहब ने खुद वजीर आजम बनने का मुतालबा कर दिया तो? तो फिर हम कश्मीर आजाद करा के सिराज उलग को उसका वजीर आजम बना देंगे। मौलाना साहब, मेरा नाम है सच्चो शहजादी और छोटी घुमावा रैम न खावा। और मौलाना साहब, आप पे इल्जाम है कि आप 600 एकड़ जमीन हड़प कर गए। छोटे शहजादी, ये जमीन थी या बरयानी की देगे जो हम हड़प कर गए? सारी की सारी जमीनें वहीं महफूज पड़ी हुई है। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए, पूरे 2 घंटे से कुछ भी खाया पिया नहीं है। ओ बैठ जाए मौलाना साहब, अभी इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हुआ है। आप इंटरव्यू कहाँ कर रही हैं? आप तो लैब वालों की तरह तफ्तीश कर रही हैं। हम चलते हैं, खुदा हाफिज। ओ मौलाना साहब। नाजरीन, मेरा नाम है सच्चो शहजादी, थोड़ी घुमावा रैम ना खावा। मौलाना साहब तो चले गए हैं, अपनी बैचलर होस्ट को भी दें इजाजत। अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान के साथ और मुल्ज़िम के साथ मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। आदमी आला शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे में ताखीर का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। बल्कि आदमी आला साहब को बार बार लंदन इलाज के लिए ऑपोजिशन की वजह से ही जाना पड़ता है, जिसने पंजाब में कोई बेहतरीन अस्पताल बनने ही नहीं दिया। इमरान खान साहब शीत के लिए रिश्ता क्यों तलाश कर रहे हैं, आइए देखते हैं। शेख साहब, आपके हाथों की लकीरें बताती हैं कि आप शादी करवाने के बाद ही वजीर आजम बने। यानी कि शेख साहब कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकते? देखे खान साहब, आपको आपके बिछड़े शेरू का वास्ता, मेरी शादी करवा दे। शेख साहब, किसका वास्ता दे दिया आपने? अब तो आपकी शादी करवानी पड़ेगी। लेकिन शेख साहब को कौन बेवकूफ रिश्ता देगा? शायद कोई तलाक याफ्ता हाँ कर दे। अब देखे शेख किसी तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं करेगा। चले फिर, बाकी की जिंदगी आप कुमारे और बगैर वजीर आजम बने ही गुजार देते। खान साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो चलते हैं, पक्का शादी हो जाएगी ना? किसी का मुकद्दर खराब हुआ तो जरूर हो जाएगी। चले फिर। खान साहब आए? आगे आए आए इमरान खान साहब, चौथी शादी करवाने आए हैं। नहीं नहीं, असल में हम शेख साहब की शादी के सिलसिले में हाजिर हुए। मेरे पास दुल्हन मौजूद हैं, अभी बुलाती हूँ। अंबर बेटा आ जाओ।
अंबर है, इसकी भी शादी नहीं हुई। अंबर बेटा, आपको शेख साहब कबूल है? I love you, इमरान खान। दूसरी को बुलाती हूँ, जाओ तुम अंदर। सिद्रा आ जाओ। सिद्रा बेटा, शेख साहब का रिश्ता आया तुम्हारे लिए। आई लव यू इमरान खान। मैं तो इमरान खान से ही शादी करूंगी। मैं किसी और को बुलाती हूँ, जाओ तुम। मैंने नहीं करनी शादी। हाँ सर, आप ही कर ले शादी। और जो भी लड़की आते आई आई लव यू इमरान खान, आई लव यू इमरान खान बोले जाती है, कई हद आती है। लगता है मुझे चौथी करनी पड़ेगी। कोई खूबसूरत लड़की है तो वो दिखा दो। हाँ हाँ, मेरे पास एक बहुत प्यारी लड़की है, मैं भी बुलाती हूँ। नरगिस आ जाओ। नून लीग ने नया तराना रिलीज कर दिया है, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं, मेरा भी एहतसाब कर दो, मैं भी नवाज हूं। फिर तो नैब वालों को भी नया तराना बना लेना चाहिए, जिसके बोल कुछ यूं हो, जो भी करप्शन करेगा उसका एहतसाब होगा, चाहे मरियम होगी चाहे नवाज होगा। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का शो? यकीनन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़।